अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल राव है। मैं हाकिम सन स्टूडियो में कैमरामैन हूँ। मुझे एक कैमरे की ज़रूरत थी जो कि प्रोफेशनल हो, इजी टू यूज़ हो, इजी टू कैरी हो। तो मुझे पैनासोनिक का PV100 बड़ा अच्छा लगा। इसके अंदर 20x जूम दिया हुआ है और इसका जूम बहुत ही स्मूथ है। सबसे अच्छी बात इसमें यह लगी कि अगर हम किसी चीज़ को जूम कर रहे हैं और कोई सामने से गुजर जाए तो ये अपना फोकस नहीं छोड़ता। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, 1920x1080 फुल HD है। हम लोग इवेंट में जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि कहीं लाइट बहुत कम होती है, तो इसके अंदर बिल्ट इन लाइट दी हुई है। इसके अंदर दो XLR इनपुट भी दिए हुए हैं। हम इवेंट में जाते हैं तो हमें ऑडियो इनपुट लेना पड़ता है, तो वो हम ऑडियो ईजिली इसके अंदर इनपुट ले सकते हैं, जिसमें हमें साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। ऑडियो कंट्रोलर भी इसके अंदर मौजूद है, जो कि एक प्रोफेशनल कैमरे में होता है। अगर ऑडियो लेवल ज़्यादा आ रहा है तो हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं ताकि हमारी ऑडियो क्वालिटी अच्छी रहे। बिल्ट इन माइक मौजूद है इसके अंदर। ये कैमरा बिल्कुल ही प्रोफेशनली है। इसके अंदर फोकस रिंग, अपर्चर रिंग और फोकस रिंग दिया हुआ है, जो कि प्रोफेशनल कैमरा में होता है। तो प्रोफेशनली हम मैनुअल फोकस यूज़ कर सकते हैं, जूम यूज़ कर सकते हैं रिंग के थ्रू, और इसका अपर्चर भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस कैमरे के अंदर दो SD कार्ड के ऑप्शन दिए हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हम इवेंट में अगर हम रिकॉर्डिंग हमारी लगी हुई है तो रिकॉर्डिंग के दौरान ही हम जो है ना दूसरा कार्ड चेंज कर सकते हैं, जो कि दूसरे कैमरों में नहीं होता था। उसमें हमें SD कार्ड निकाल के फिर चेंज करना पड़ता था, हमारी रिकॉर्डिंग जो है मिस हो जाती थी। रिकॉर्ड किया हुआ डेटा हम USB के अंदर मूव भी कर सकते हैं इस कैमरे के अंदर। इसके अंदर वीडियो आउटपुट भी मौजूद है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर हाई क्वालिटी HDMI भी आउट मौजूद है। इसके अंदर फ्लेक्सिबल टच स्क्रीन भी दी गई है, जो कि बहुत ही इजी टू यूज़ है और इजी टू रोटेट है। आप बहुत अच्छी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। गर्ज ये है कि ये एक सेमी प्रोफेशनल कैमरा है, जो कि इवेंट को कवर करने के लिए इसके अंदर तमाम फीचर्स मौजूद हैं जो कि एक प्रोफेशनल कैमरा में मौजूद होते हैं। तो मुझे ये पैनासोनिक का PV100 बहुत ही पसंद आया, और ये मेड इन जापान है।